तुंगनाथ पंच केदारों में से एक भगवान शंकर का एक ऐसा मंदिर है जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में चोपटा से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में स्थित है। इसका मतलब आप चोपटा तक अपनी गाड़ी या किराए की गाड़ियों से पहुंच सकते हैं, पर वहां से मंदिर तक जाने के लिए आपको पहाड़ पर पैदल ही जाना पड़ेगा। पर घबराइए नहीं, ये वन विभाग का एरिया है, इसलिए तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पत्थरों से बनाया गया है ताकि तीर्थयात्री उस पर आसानी से चढ़ सके। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मंदिर पंच केदारों में से एक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य में वो शिव जी के 5 मंदिर कौन से हैं जिन्हें पंच केदार कहकर पुकारा जाता है। सबसे पहला है केदारनाथ, जिसका नाम आप सबने पहले ही सुन रखा होगा। ये मंदिर काफी लोकप्रिय है और छोटे 4 धाम में से एक है। दूसरा है तुंगनाथ, जिसकी यात्रा पर ये वीडियो आधारित है। तीसरा है रुद्रनाथ, जिसकी यात्रा थोड़ी कठिन मानी जाती है। चौथा है मदमहेश्वर और 5वां है कल्पेश्वर। इन पंच केदार मंदिरों के दर्शन हेतु तीर्थयात्री को पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ये 5ों मंदिर पहाड़ों में स्थित हैं। ये मंदिर कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा भी बड़ी रोचक है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों पर अपने ही भाइयों की हत्या के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो पांडव बहुत दुखी रहते थे और इस पाप से उबरना चाहते थे। पांडवों के शुभचिंतक भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करने को कहा। पांडवों ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की, पर शिव जी पांडवों से अप्रसन्न थे। वो हिमालय में एक बैल के रूप में जाकर प्रकट हो गए। शिव जी की खोज में भीम उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शिव जी एक दुर्लभ बैल के रूप में खड़े थे। भीम ने बैल रूपी शिव जी को पकड़ लिया। शिव जी ने भीम से मुक्त होने के लिए खुद को 5 भाग में विभाजित कर लिया और उन 5 जगहों पर शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। जहां भीम की भेंट शिव जी से बैल के रूप में हुई थी, वहां जो शिवलिंग उत्पन्न हुआ वही आजकल केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। जहां शिव जी का मुख प्रकट हुआ वो रुद्रनाथ, जहां पेट का भाग गया वो मदमहेश्वर, जहां शिव जी की जटाएं गईं वो कल्पेश्वर, और जहां भुजाएं गईं वही जगह है तुंगनाथ। पांडवों ने इन 5 जगहों पर मंदिर बनवाए, पूजा यज्ञ हवन इत्यादि किए, तब जाकर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तुंगनाथ जी की यात्रा वैसे तो मई से नवंबर के बीच में तीर्थयात्री और भक्तगण करते हैं, और इसी दौरान ही मंदिर दर्शन हेतु खुला भी रहता है, पर नवंबर से मई तक मंदिर बंद रहता है क्योंकि इस दौरान बहुत बर्फ पड़ती है। पर ट्रेकिंग के शौकीन लोग इस बर्फ में भी तुंगनाथ मंदिर तक पैदल जाते हैं। हमारे दोस्तों ने भी फरवरी के महीने में तुंगनाथ यात्रा करने की सोची। दिल्ली से जोशीमठ हम लोग कार से पहुंचे, पर जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों में पड़ते सड़क पर बर्फ बढ़ने लगी, और इस स्थिति में सड़क पर कार चलाना बेहद खतरनाक हो सकता था, तो हम सब ने लोकल गाड़ी वालों की मदद ली। उनके पहियों में चेन लगी होती थी जो गाड़ी को बर्फ पर फिसलने से बचाती थी। उस लोकल गाड़ी से तुंगनाथ की यात्रा पर जाने वाले और भी यात्री शामिल हुए। वो गाड़ी हमें चोपटा तक ले गई, जहां से हमें तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू करनी थी। चोपटा से हमने पहाड़ों पर चलने के लिए खास जूते किराए पर लिए, जिनके नीचे चेन लगी होती थी जो बर्फीले रास्तों पर अपनी पकड़ बनाकर रखती थी, ताकि यात्री का पैर जरा भी न फिसले। हम सबके मन में उत्साह और खुशी का माहौल था। उत्साह इसलिए कि तुंगनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं, और खुशी इसलिए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, जैसे प्रकृति ने हर जगह बर्फ की चादर बिखेर दी हो। बड़ा ही सुंदर नजारा। जय शंभु कहते कहते मैं और मेरे दोस्त तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक पर बढ़ते रहे। चढ़ने में थकावट होती तो थोड़ी देर रुककर आराम करते, सांस भी फूलती थी, पर तुंगनाथ मंदिर को करीब से देखने की लालसा में कब मंदिर तक आ गए पता ही नहीं चला। रास्ते में चढ़ाई करते समय ठंड के मौसम की वजह से
या यूं कहूं ऑफ सीजन होने की वजह से सारी दुकानें बंद थीं। चाय पीने की बार बार तलब उठती थी, पर हर जगह दुकानों का शटर बंद था। तुंगनाथ मंदिर के आसपास कुछ झोपड़ियां और दुकानें थीं, वो भी बंद थीं, पर हमारा लक्ष्य तो मंदिर था। फिर वो वक्त आया जब हमने तुंगनाथ मंदिर के शिखर का दर्शन किया। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब मंदिर के गर्भगृह के दर्शन किसी कारण ना हो सके तो मंदिर के शिखर के दर्शन करने से दर्शन पूर्ण माना जाता है। जब हम रास्ते में थक कर आराम कर रहे होते थे तो वापस लौटने वाले यात्रियों से हम पूछते कि भाई अब और कितनी दूर रह गया है, वो हमको बताते कि बस इतना दूर है, तो ये सुनकर थोड़ी खुशी मिलती कि हाँ हम अब नज़दीक पहुँच रहे हैं। वैसे वहाँ नज़दीक पहुँच कर इंतज़ार करने का भी एक अलग मज़ा था। मेरे साथ चलने वाले यात्री यानी कि मेरे दोस्त लोग, वो काफ़ी थक चुके थे, पर फिर भी साहस के साथ वो आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते सुंदरता बढ़ती ही जाती, प्रकृति की सुंदरता का तो क्या ही कहना था, आप ये सब इस वीडियो में देख ही सकते हैं। वहां पहुंचकर हमने देखा कि कई यात्री तुंगनाथ मंदिर के पास आराम कर रहे थे। हम वहां काफी देर रुके, ढेर सारी फोटोज खिंचवाई। प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर थी, ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में हैं। वैसे अगर हम गर्मी के महीने में आते तो ये बर्फ की चादर देखने को नहीं मिलती, पर तुंगनाथ जी के यानी कि शिवलिंग के दर्शन जरूर हो जाते हैं। खैर, इस ठंडी का भी अपना अलग मजा है। आप देख सकते हैं, वो देखिए उतरने वाले कैसे आने वाले रास्तों का इस्तेमाल ना करने के बजाय सरकते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। हमारे दोस्त नीचे से तुंगनाथ जी के शिखर को देख रहे थे और इस आस में कि अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। मैंने यात्रियों से पूछा, क्या मंदिर जाने का रास्ता यही है? तो उन्होंने कहा हाँ यही है, और मैं ऊपर की ओर बढ़ता रहा और देखिए सामने तुंगनाथ जी का मंदिर था। हालांकि मंदिर का दरवाजा बंद था, पर दूर से ही दर्शन हो सकते थे। देखिए रास्ते में ये बैरिकेडिंग की गई है ताकि हम अंदर ना प्रवेश कर सकें क्योंकि मंदिर बंद है, पर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए वो मंदिर, वो शिखर आप सब देख सकते हैं, मंदिर का ध्वज लहरा रहा है, तुंगनाथ जी अंदर विराजमान है, शिखर के ऊपर भी सफेद ध्वज लहरा रहा है। सफेद रंग भगवान शंकर को बहुत पसंद है, कहते हैं कि जब भी भगवान शंकर की पूजा करें सफेद रंग के कपड़े पहनकर करें। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और ये ध्यान लगाने में बेहद कारगर है। और सफेद रंग की बर्फ में लिपटे भगवान तुंगनाथ, क्या ही कहना, बड़े सौभाग्य थे जो हमें तुंगनाथ जी के दर्शन हुए। ऐसा समय और नक्षत्रों ने ऐसी करवट ली कि हमें भगवान शंकर के दर्शन हुए। वो देखिए तीर्थयात्री वापस जाते हुए, हमारे मित्रों ने भगवान शिव जी के आगे पूजा अर्चना की, हाथ जोड़े, जय बाबा तुंगनाथ। देखिए चारों तरफ उन पहाड़ों को देखिए, शांत, कुछ बर्फ से ढके, ये चोटी काफी ऊंची थी जहां भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर है, इसलिए इस पर बर्फ की भरमार थी। तुंगनाथ जी के मंदिर के दर्शन के बाद यहां देखिए, यहां कुछ यात्री आराम कर रहे हैं और प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। ये दृश्य अपनी फोटोज में कैप्चर कर रहे हैं जबकि हम तुंगनाथ जी से 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला के दर्शन करने को तैयार हो गए। हम लोगों से पूछने लगे कि चलते हैं, वहाँ का रास्ता कैसा है? तो उन्होंने बताया कि वहाँ का जाने वाला रास्ता सकरा है,
और उस पर काफ़ी बर्फ गिर गई है, जिससे कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सभी यात्री तुंगनाथ के ऊपर नहीं जा सके क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था, पर कुछ यात्री अपनी जान हथेली पर रखकर गए थे और उन्होंने चंद्रशिला के दर्शन भी किए। कहते हैं ऊपर चंद्रशिला मंदिर में गंगा मंदिर है। चंद्रशिला में भगवान चंद्रमा यानी कि डेमी गॉड चंद्रमा ने शंकर जी की आराधना की थी, शंकर जी को प्रसन्न किया था, क्योंकि चंद्रमा के ससुर यानी कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि दिन ब दिन उनका क्षय हो जाए, यानी उनकी आभा खत्म हो जाए। ये जो चंद्रमा का सुंदर रूप हम आजकल देखते हैं पूर्णिमा के दिन, ये सब भगवान शंकर के आशीर्वाद का फल है, वरना चंद्रमा ये सब खो चुके थे। आप देख सकते हैं चंद्रशिला तक पहुंचने का रास्ता कितना दुर्गम है। देखिए कुछ बर्फ इतनी खतरनाक होती कि उन पर पैर रखते ही फिसल जाने का डर होता है, और हम इतनी ऊंचाई पर थे कि यहां से अगर फिसलते तो सीधे शिवलोक में ही मिलते, पर भगवान शंकर की कृपा है, उन्होंने हमारी जिंदगी कुछ दिन और बनाकर रखी हुई है। देखिए मैं चाहता था कि मैंने जो देखा, जो प्रकृति की सुंदरता मैंने देखी, जो भगवान शंकर का मंदिर मैंने देखा, आप सब तक लेके आऊं, इसलिए मैंने उस ट्रैक की रिकॉर्डिंग की। और आप सब देख सकते हैं कि भले ही आप वहां ना गए हों, पर तुंगनाथ जी ठंडी में कैसे दिखते हैं, आसपास का वातावरण कैसा दिखता है, आपने इसका अंदाजा जरूर लगा लिया होगा। देखिए ये छोटी छोटी चट्टानें, इनके बीच में है रास्ते चंद्रशिला जाने के। आप देख सकते हैं कैसे एक एक कदम रखते हुए, भगवान शंकर का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। देखिए मुड़ मुड़ कर अपने दोस्तों का इंतजार करता रहा कि शायद वो पीछे आएंगे। वो देखिए हमारे मित्रगण पीछे आ रहे हैं और हमें अभी ऊपर चढ़ना है, पर उन्होंने कहा कि कैमरा हाथ में लेकर ऊपर चढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है, तो चंद्रशिला की चढ़ाई में मुझे कैमरा जेब में रखना पड़ा, क्योंकि नीचे गिरने का डर था, इसलिए मुझे बहुत संभाल संभाल कर चलना था। तो मैंने एक वक्त आने पर अपना मोबाइल जेब में रख लिया और चढ़ाई जारी रखी, और इस प्रकार हमने तुंगनाथ जी की यात्रा पूरी की।